सर आपको जैसे ही पता होगा कि दो तरह के अकाउंट होते हैं ठीक है एक में इंटरेस्ट कम मिलता है एक में मिलता ही नहीं है और दूसरे में ज़्यादा मिलता है ठीक है करंट अकाउंट आता है पहले वाले में जिसमें मिलता ही नहीं है और इसकी कैटेगरी में दूसरा आता है सर सेविंग अकाउंट ठीक है मेरी आप वीडियोस में देखोगे इसमें मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आता है सर फिक्स डिपॉजिट इस पर सर ज़्यादा मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा आता है रेकरिंग डिपॉजिट इस पर भी ज़्यादा मिलता है ठीक है अब इन दोनों में से ज़्यादा किसको मिलता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा मिलता है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में ये चीज ध्यान रखना ठीक है तो फर्स्ट का आंसर है सर बी ओके फिक्स डिपॉजिट उसके बाद आता है सर सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स इज कार्ड यानी सामान के बदले आप सामान ही ले रहे हो उस चीज को क्या कहेंगे चार्टर कहेंगे नहीं सर मनी कहेंगे नहीं सर बाटर कहेंगे बिल्कुल सही जवाब सर उसको बोलेंगे बाटर उस सिस्टम को बोलते हैं बाटर यानी वस्तुओं के बदले वस्तु देना लेना ठीक है आपने इसको कोई सामान दिया आपने इसको टमाटर दिए बदले में इसके प्याज ले लिए या आपने इसको चावल दिए बदले में इससे आटा ले लिया ठीक है बाटर एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स उसके बाद आता है सर थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर जो आर के होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सी आता है बिल्कुल आता है सर बैंक रेट आता है बिल्कुल आता है थर्ड आया सर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपको पता ही होगा सर मैंने डिस्कस किया था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर दो चीज़ें आती हैं आपकी रेपो रेट और दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट ओके तो ये भी किसके फंक्शन है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर के फंक्शन है चौथा सर डायरेक्ट कंट्रोल और एक्शन ये आता है सर आप का क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर में ओके तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो आंसर होना चाहिए इसमें बी वन टू एंड थ्री ओके थर्ड का बी है उसके बाद आता है सर फोर्थ क्वेश्चन बैंक रेट इज द रेट एट विच आर बी आई एक्सटेंड क्रेडिट टू द बैंक रेट क्या होता है सर सपोज किसी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए ठीक है कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएगा आर बी आई के पास आर बी आई जो उसको लोन देगा वो लॉन्ग टर्म लोन होगा बेसिकली जो लोन देगा सपोज आर बी आई ने उसको एक करोड़ रुपए का लोन दिया ठीक है जो लोन के ऊपर ब्याज लगेगी उसको बोलते हैं सर बैंक रेट ओके तो बैंक क्रेडिट इज द रेट एट विच आर वी एक्सटेंड क्रेडिट टू द फॉरन कंट्रीज नो एग्रीकल्चर नो पब्लिक नो कमर्शियल बैंक यस तो फोर्थ का आंसर है सर डी कमर्शियल बैंक ओके उसके बाद आता है सर फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मैथड सर सिलेक्टिव कौन सा होता है सर सिलेक्टिव बोलते हैं सर क्वालिटेटिव को क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर को बोलते हैं बेसिकली सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ओके तो क्वालिटेटिव में कौन से आते हैं मॉरल सुजन आता है बिल्कुल आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव में आते हैं तो नहीं है इसका आंसर बैंक रेट भी क्वांटिटेटिव में आता है और सी भी क्वांटिटेटिव में आता है सो द आंसर इज ए मॉरल सोविजन ओके उसके बाद आता है सर सिक्स क्वेश्चन द आर बी आई मैथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स जाहिर सी बात है यार क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ठीक है ना ओपन क्लोज नहीं है रूरल अर्बन नहीं है मोनिट्री फिजिकल नहीं है आंसर इज डी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव उसके बाद सर सेवन क्वेश्चन द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल्ड मॉनेटरी कंट्रेक्शन ये सर वर्ड्स पे फोकस दीजिए कंट्रोल मनी कंट्रैक्शन यानी मनी को कंट्रोल uh, रखता है और कंट्रैक्ट करके रखता है मतलब स्क्वीज करके रखता है ऐसा होता है नहीं सर अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड तो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन तो करता ही है थोड़ी बहुत है ना अनरिस्ट्रिक्टेड मॉनिटरी कॉन्ट्रैक्शन नो सर ये भी गलत है उसके बाद आता है कंट्रोल्ड मनी एक्सपेंशन मॉनेटरी एक्सपेंशन यानी कंट्रोल्ड वे में मनी मॉनेटरी की मनी uh, की एक्सपेंशन होती है बेसिकली ठीक है तो आंसर इज सी अनरिस्ट्रिक्टेड मनी एक्सपेंशन नो सर अनरिस्ट्रिक्टेड तो हो ही नहीं सकता सर कि बिना रिस्ट्रिक्शन के कंट्रोल्ड वे में करता है ठीक है मॉनेटरी एक्सपेंशन ओके उसके बाद आता है सर एट्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई नोट सर ये नोट पे फोकस करो आर बी आई इज अ कस्टेडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू ही इज अ कस्टेडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए फोर पांच फॉरन करेंसी हार्ड करेंसी कौन कौन सी हैं ठीक है थीके? उसके बाद आता है और आ, उसके बाद आता है सर बैंकर टू द पब्लिक ये तो सर बिल्कुल गलत है आर बी आई पब्लिक को पैसे देता है आप कभी आर बी आई के पास गए हो पैसे लेने आप बैंक के पास जाते हो ना कमर्शियल बैंक के पास है ना आप आर के पास तो नहीं जाते शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास जाते हो आप आर के पास नहीं जाते तो दूसरा गलत है बैंकर्स बैंक bank, बैंकों का बैंक है बिल्कुल सर टू सॉल्व बैंक इशू जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर बैंक इफ बैंक इज इन अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस तब आर उसकी क्राइसिस सिचुएशन को रिजोल्व करेगा यानी टू सॉल्व द बैंक्स इशू ओके तो इसका आंसर होगा बीच ऑफ द एफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर इसका आंसर है सर आपका बी यानी बैंक टू द पब्लिक पब्लिक को थोड़ी देता है पैसे ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्मड बट बटवियस सर आर करता है और कौन करता है परफॉर्म ओके उसके बाद आता tenth, है सर क्वेश्चन नंबर टेंथ आर कब नेशनलाइज हुआ था आर बी नेशनलाइज हुआ था फर्स्ट फर्स्ट जनवरी 1949 को ओके फर्स्ट जनवरी 1949 को हुआ था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये बना कब था ओके okay. तो इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज की मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगा ओके सो स्टे ट्यून विद नॉलेज इज बाय दीपांशु मल्होत्रा थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज रिव्यू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच